नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी, स्वागत है आपका विशेष में। बीजेपी ने महाराष्ट्र चुनाव से पहले यह घोषणा की थी कि अगर वो जीती तो विनायक दामोदर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग करेगी, लेकिन बीजेपी की दोबारा सरकार बनने से पहले सावरकर पर विरोध का एक बम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की चौथी पीढ़ी के एक सदस्य ने गिरा दिया। इस विवाद में पहली बार गांधी परिवार के किसी सदस्य ने गांधी की हत्या में सावरकर की भूमिका पर सवाल उठाया और भारत रत्न देने की मांग पर भी। शायद वीर सावरकर न होते तो सन 57 की क्रांति भी इतिहास न बन, उसको भी हम अंग्रेजों की दृष्टि से ही देखें। हमने ये कहा है कि महाराष्ट्र सरकार की ओर से हमने इसकी अनुशंसा की है, अब केंद्र सरकार के पास जाकर इसका बोलो महाराष्ट्र सरकार करेगी। ये वो लोग हैं जो वीर सावरकर को आए दिन गालियां देते हैं, उनका अपमान करते हैं। जिस महापुरुष की तारीफ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और दो दो राज्यों के मुख्यमंत्रियों को कसीदे पढ़ते आपने सुना, जिसको भारत रत्न देने की मांग उठी, उनका नाम विनायक दामोदर सावरकर है, जिनको उनमें आस्था रखने वाले वीर सावरकर कहते हैं। लेकिन इसी सावरकर पर उस महात्मा गांधी के एक वंशज ने बड़ा सवाल उठा दिया है। जिनको प्रधानमंत्री मोदी अपना आदर्श मानते हैं और आरएसएस अपना प्रातः स्मरणीय। But I think it is very important that we understand the real objectives and the conspiracies behind Bapu's murder at a time when the pattern of Bapu's murders is considered to be given a Bharat Ratna. 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई। हत्यारा नाथुराम गोडसे था, लेकिन हत्या की साजिश वाले खूनी छींटे विनायक दामोदर सावरकर पर भी उठे, लेकिन बाद में अदालत ने उनको बरी कर दिया। लेकिन गांधी की चौथी पीढ़ी के एक सदस्य सावरकर को आज भी सवालों और संदेह के घेरे में रखते हैं। Remember one thing, that Savarkar may have been acquitted in the case of the Gandhi murder by the court, but the court did not pronounce him innocent. The court only said that we have not had enough evidence presented to us, and because of the lack of evidence, we are compelled to acquit him in the courts, in the case. But nowhere has this the court said in their judgment that we believe that Savarkar is innocent of all the charges. महात्मा गांधी के परपोते का बयान उस वक्त आया है जब कुछ दिनों पहले ही महाराष्ट्र चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि सत्ता मिली तो सावरकर को भारत रत्न दिलाएंगे। तुषार गांधी ने गांधी की हत्या पर एक किताब भी लिखी है, लेट्स किल गांधी। आज भी तुषार ने गांधी की हत्या में शक की सुई को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की तरफ मोड़ दिया। The Bharat Ratna. And that is why I want to talk to you about the role of the RSS and Savarkar in the murder of Mahatma Gandhi. The RSS also claims that none of the courts accused or pronounced RSS guilty in the murder. वैसे आपको बता दें कि सावरकर कभी RSS के सदस्य नहीं रहे, लेकिन आरएसएस को महान राष्ट्रवादी और हिंदू हृदय सम्राट के रूप में संघ परिवार जरूर मानता है। The RSS has this habit of getting things done and then claiming that they have nothing to do with it. Right from independence and before that to now today, they have always done that. They have always gotten away with that. Whether it is the murder of Mahatma Gandhi, or it is the demolition of the Babri Masjid. महाराष्ट्र में बीजेपी अपने सहयोगी शिवसेना के साथ जीत गई है, तो क्या वो अब सावरकर को भारत रत्न देने की मांग केंद्र से करेगी? वैसे तो सावरकर से प्रेरणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी मिलती है।
ये वीर सावरकर के ही संस्कार है जो राष्ट्रवाद को हमने राष्ट्र निर्माण के मूल में रखा है। अब देखिए कि आने वाले दिनों में सावरकर के राष्ट्रवाद और गांधी की हत्या को लेकर उठते सवालों के बीच भारत रत्न का मुद्दा कहां तक जाता है। आज तक ब्यूरो। कौन है सावरकर जिनका नाम विवादों की साए में हमेशा चलता रहता है? क्रांतिकारी, राष्ट्रवादी, काला पानी भोगने वाले कैदी, अंग्रेजों को चकमा देकर पानी के जहाज से समुद्र में कूद जाने वाले योद्धा, या अंग्रेजों से माफी मांगने वाले? जहां सावरकर के कसीदे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सभी पढ़ते हैं, वहीं सावरकर पर कई गंभीर आरोप भी लगते हैं। सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिल मिलावट। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जुबानी सावरकर की तारीफ सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी के लिए सावरकर की कितनी अहमियत है। लेकिन सावरकर पर महात्मा गांधी की हत्या में शामिल होने का आरोप लगा। इस मामले में गांधी की हत्या के बाद तत्कालीन गृह और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हिंदू महासभा के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी को 18 जुलाई 1948 को खत लिखा कि जहां तक आरएसएस और हिंदू महासभा की बात है, गांधी जी की हत्या का मामला अदालत में है और मुझे इसमें इन दोनों संगठनों की भागीदारी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए, लेकिन हमें मिली रिपोर्ट्स इस बात की पुष्टि करती है कि इन दोनों संस्थाओं का, खासकर आरएसएस की गतिविधियों के फलस्वरूप देश में ऐसा माहौल बना कि ऐसा बर्बर कांड संभव हो सका। मेरे दिमाग में कोई संदेह नहीं है कि हिंदू महासभा का अतिवादी थड़ा षड्यंत्र में शामिल था। लेकिन सावरकर और संघ पर गांधी के पोते तुषार गांधी ने सवाल उठाया तो उनसे माफी की मांग भी होने लगी। मैं उन्हें सलाह दूंगा कि न्यायालय की पूरी प्रोसीडिंग्स को और कपूर कमीशन के रिपोर्ट को पढ़ जाएं। साथ ही साथ संसद में जो बहस हुई थी, जिस बहस के कारण कपूर कमीशन का गठन हुआ था, उस संसद की बहस को पढ़ जाएं तो शायद तुषार गांधी इस प्रकार का बयान नहीं देते। इस बयान के पीछे उनका निहित स्वार्थ है। न वे सावरकर को समझते हैं, न गांधी को समझते हैं। गांधी के परिवार से जुड़े होने का कारण यह नहीं है कि वे गांधी को समझ रहे हैं। बात गांधी और सावरकर की हो रही हो तो आप ये भी जान लीजिए कि गांधी और सावरकर की पहली मुलाकात 1906 के अक्टूबर महीने में लंदन के इंडिया हाउस में हुई थी। उस ठंडी शाम सावरकर ने गांधी को अपने घर खाने पर बुलाया था, लेकिन खाने में उन्होंने प्रॉन बनाया था। गांधी मांसाहार नहीं करते थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि ना तो गांधी को खाना मिला और ना ही सावरकर का साथ, क्योंकि सावरकर गांधी के सत्याग्रह से सहमत नहीं थे। कैसा बहुरंगी व्यक्तित्व। गांधी का रास्ता अलग था, सावरकर का अलग। सावरकर को समझने के लिए हम आपको उस अंडमान निकोबार की सेल्युलर जेल में ले चलते हैं जिसमें करीब 13 साल तक सावरकर ने सजाए काला पानी भोगा था। वे 1911 से 1924 तक यहाँ की जेल में बंद रहे। 698 कमरों की सेल्युलर जेल के कोठरी नंबर 52 में सावरकर को रखा गया था। उनका कमरा 13.5 फीट लंबा और 7.5 फीट चौड़ा था। सावरकर बेहद दुबले पतले थे और कद में भी बहुत छोटे थे, लेकिन अपने लक्ष्य को लेकर संकल्प बड़ा था। उसी संकल्प के बल पर वो अंडमान में 10 साल तक अंग्रेजों की यातना झेलते रहे। सावरकर में ऊंचाई भी थी और गहराई भी थी, मगर उन्होंने यथार्थ की धरती से कभी नाता नहीं तोड़ा। मैंने सेल्युलर जेल में, अंडमान द्वीप में वो कोठरी देखी है जिसमें सावरकर जी को अपने जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंश तिल तिल जलकर मिटाना पड़ा था। सावरकर जी की अतिरिक्त सुरक्षा का प्रबंध था। कमरे के बाहर कोठरी, काल कोठरी के बाहर एक कोठरी,
और कैदियों से तो दालान में जाकर मिला जा सकता था। सावरकर जी की कोठरी के आगे भी एक कोठरी बनाकर सीकचे खड़े कर दिए गए। सावरकर से अभिभूत तो प्रधानमंत्री मोदी भी रहे। सेल्यूलर जेल में वो जगह गए थे जहां सावरकर को रखा गया था। वतन पे निसार होने की उस भावना ने प्रधानमंत्री मोदी को जज्बाती बना दिया। सेल्यूलर जेल के कैंपस में चलते हुए ऐसा अनुभव होता है कि भारत मां के वीर सपूत समंदर की लहरों पर अपने खून पसीने से भारत मां की जय लिख रहे हैं। वीर सावरकर को लेकर जितनी भी बातें सुनी और पढ़ी हैं, वो एक एक घटना दृश्य बनकर जीवंत हो जाती। सावरकर की कालापानी की सजा की कड़ियां इंग्लैंड से जुड़नी शुरू हुई। सावरकर नासिक के जिला मजिस्ट्रेट एएमटी जैक्सन की हत्या के मामले में फंस गए, जिसको 18 साल के नौजवान अनंत लक्ष्मण कन्हेरे ने अंजाम दिया था। कन्हेरे और सावरकर की खतों किताब की कड़ियां जोड़ते हुए अंग्रेजों ने सावरकर के खिलाफ लंदन में गिरफ्तारी वारंट जारी किया। 13 मार्च 1910 को सावरकर ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। सावरकर को भारत लाया गया और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जंग छेड़ने के आरोप में 25-25 साल की दो सजाएं हुई। उसी कड़ी में 4 जुलाई 1911 को उन्हें सेल्यूलर जेल भेजा गया। 1911 के पहले ये क्रांतिकारी जो आंदोलन चल रहा था उसके अंग थे। 1911 में इनको भेज दिया गया था सेल्यूलर जेल, और उसके बाद इनकी जो राजनीति थी उसमें एक निर्णायक परिवर्तन हुआ। वैसे कालापानी की सजा से पहले सावरकर को लंदन से गिरफ्तार करके भारत लाया जा रहा था। वो एसएस मौर्य नाम के पानी के जहाज से आ रहे थे। वो जहाज बीच में मासे बंदरगाह पर रुका तो सावरकर जहाज के शौचालय के पोर्ट होल से समंदर में कूद गए। ब्रेवार्ट सावरकर नाम की किताब में आशुतोष देशमुख ने लिखा है कि सावरकर ने जानबूझकर अपना नाइट गाउन पहन रखा था। शौचालय में शीशे लगे हुए थे ताकि अंदर गए कैदी पर नजर रखी जा सके। सावरकर ने बड़ी चतुराई से गाउन उतारा और शीशे को ढक दिया। सावरकर ने पहले से ही शौचालय के पोर्टहोल को नाप रखा था। अपने दुबले पतले शरीर और पोर्टहोल में मिलान से सावरकर ने भांप लिया था कि इससे बाहर निकला जा सकता है। तैरने के दौरान उनको चोट भी आई, वो किनारे पर भी पहुंच गए लेकिन भागने में कामयाब नहीं हो पाए। सावरकर के बारे में यह भी कहा जाता है कि जेल में जाने के 1.5 महीने बाद उन्होंने अंग्रेजों से माफी के लिए चिट्ठी लिखी। इसके बाद उन्होंने 9 साल में 6 बार माफी की चिट्ठियां लिखी। कि सावरकर ने जेल में जाने के बाद एक बार नहीं, कई बार, एक साल नहीं, कई सालों में उन्होंने अंग्रेजों से उनके साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने माफी, अगर आप शब्द को इस्तेमाल करना चाहें, उन्होंने अपनी पोजिशन को क्लैरिफाई की। उन्होंने ये जरूर कहा कि हम आपके साथ मानेंगे। इसमें भी बड़ी बात यह कि सावरकर की रिहाई की मांग सरदार पटेल के बड़े भाई विठल भाई पटेल ने की थी, जिसका समर्थन गांधी और नेहरू दोनों ने किया था। बाद में खुद सावरकर ने भी अंग्रेजों से माफी मांगने को इस आधार पर सही ठहराया था कि ये उनकी रणनीति थी ताकि वो बाहर निकलकर अपने आंदोलन और क्रांतिकारी विचारों को परवान चढ़ा सके। अपनी आत्मकथा में उन्होंने लिखा कि अगर मैंने जेल में हड़ताल की होती तो मुझसे सरकार को पत्र लिखने का अधिकार ही छिन जाता। आज तक ब्यूरो। आजादी की लड़ाई के दौरान कांग्रेस से सावरकर का हमेशा 36 का ही आंकड़ा रहा है। जब कांग्रेस का विरोध बढ़ता गया तब एक फिल्म और नाटक के कलाकार ने सावरकर को एक सभा में बुलाया और उनको स्वतंत्र वीर कहा। तभी से वीर शब्द सावरकर की परिभाषा देने वाला विशेषण बन गया। पुणे की यह तस्वीर बहुत ऐतिहासिक है। साल था 1936। दरअसल सेलुलर जेल से बाहर आने के बाद से ही सावरकर आजादी के आंदोलन के लिए अछूत मान लिए गए थे। वो जहां भी जाते कांग्रेस के लोग उनका विरोध करते। ऐसे में पीके अत्रे नाम की एक नाटक और फिल्म कलाकार ने उनका साथ देने के लिए एक सभा बुलाई। उसी सभा में पहली बार अत्रे ने सावरकर को स्वातंत्र वीर कहा। सावरकर की जिंदगी के 3 मेजर चैप्टर थे। पहला चैप्टर उनके जन्म से शुरू होता है, जब तक वो अंदमान के सेलुलर जेल में नहीं भेजे जाते। ये इस पीरियड में उन्होंने जो कुछ काम किया उसमें 1857 को उन्होंने
इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की बात की, हिंदू मुसलमान एकता की बात की, बहुत सारे क्रांतिकारी कामों में उन्होंने शामिल किया। मदन लाल ढींगरा जैसे क्रांतिकारियों को लंदन में उन्होंने मदद किया, इसी की वजह से उनको वीर का टाइटल दिया गया। बापू के नेतृत्व में हजारों नेताओं ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, लेकिन जब यह आंदोलन जारी था तब सावरकर योगदानों का चेहरा क्यों नहीं बन पाए, ये अपने आप में रहस्य है, लेकिन वीर की उपाधि उनके नाम से लग चुकी है। आज तक ब्यूरो विशेष में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।